मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 15 अक्टूबर को सार्वजनिक दशहरा उत्सव समिति दूधाधारी मठ द्वारा आयोजित राजधानी रायपुर के रावण भाटा टिकरापारा के दशहरा उत्सव में शामिल हुए। उन्होंने इस अवसर पर भगवान राम लक्ष्मण और भगवान बालाजी की पूजा अर्चना कर प्रदेश की समृद्धि तथा खुशहाली की कामना की। मुख्यमंत्री बघेल ने इस दौरान रावण भाटा मैदान के सौंदर्यकरण तथा विकास के लिए स्वीकृत 1 करोड़ रुपए की राशि के विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन भी किया। मुख्यमंत्री बघेल ने दशहरा उत्सव में शामिल होने पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि दूधाधारी मठ द्वारा आयोजित यह उत्सव छत्तीसगढ़ के सबसे प्राचीन दशहरा उत्सव में माना जाता है। इसके लिए उन्होंने संरक्षक राजेश्री महंत डॉक्टर राम सुंदर दास तथा अध्यक्ष मनोज वर्मा सहित पूरे आयोजन समिति की सराहना की। मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि दशहरा का पर्व असत्य पर सत्य की जीत, अंधकार पर प्रकाश की जीत और अधर्म पर धर्म की जीत का पर्व है। ये पर्व हमें अपने अहंकार तथा बुराई को समाप्त कर अच्छाई तथा सत्य की राह पर चलने की सीख देता है। जब तक हमारे समाज, आसपास तथा स्वयं में जो बुराई है वह समाप्त नहीं होगी, तब तक हम और हमारा समाज आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए समाज में अहंकार, बुराई तथा असत्य के प्रतीक रावण का नाश जरूरी है, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। बघेल ने बताया कि रावण भाटा में आयोजित दशहरा उत्सव की छत्तीसगढ़ के सबसे प्राचीन दशहरा उत्सव के रूप में विशिष्ट ख्याति और पहचान है। उन्होंने बताया कि राजधानी रायपुर में नागपुर के भोसले वंश के शासनकाल से लगभग 400 वर्ष से अब तक यहां दशहरा उत्सव उत्साह के साथ मनाया जाता रहा है। दशहरा उत्सव कार्यक्रम में खाद्य तथा संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत, सांसद सुनील सोनी, नगरपालिका निगम रायपुर के महापौर एजाज ढेबर सहित पार्षद तथा नागरिक उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट, रायपुर। छत्तीसगढ़ की हर खबर सबसे पहले आपके फोन पर। सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाए। 9 सालों से आपकी पसंदीदा मीडिया अब YouTube पर भी। सिंधु यूथ छत्तीसगढ़ का अपना न्यूज चैनल।